लिए पढ़ाई कर रहा है ना, इस पढ़ाई से हमें आवाज़ मत करो नहीं तो बहुत मार पड़ेंगे, शांत रहो। क्योंकि इसी एजुकेशन को प्राप्त करके कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई किसान बनता है ना। एजुकेशन का कोई महत्व नहीं आता है, क्यों? क्योंकि इसके कीमत का आपको पता नहीं है कि इसको आप छोड़ रहे हैं तो कितने अंधकार में जा रहे हैं। इस चीज की आपको ज्ञान नहीं है। जिस दिन अगर इसकी अहमियत की पता चल जाएगी, तब आप रात को रात नहीं समझिएगा, दिन को दिन नहीं समझिएगा, और 24 घंटा बस अपने पढ़ाई पर लग जाइएगा। अभी उसका अहमियत आपको पता नहीं है, जिसकी आप समय को बर्बाद किए जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का भी काम है कि आपको उस रियलिटी को बताएं जिससे आपका फ्यूचर चेंज हो सके, आपका फ्यूचर बन सके। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं कि किसी संस्था में पढ़ के और बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, है ना। तो हम भी सोचते हैं कि जो गया वो तो बढ़िया कर रहा है, आप भी अच्छा करो। और उन्हीं लोगों का एग्जाम्पल आपके सामने दिखाने के लिए हमने जो बच्चा एक रोज अनूप कुमार श्रीवास्तव का साथ जिक्र किए होंगे, कभी ना कभी जो अभी पायलट है या एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी है, तो हम लोगों के बीच में कुछ ही देर में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप जैसे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो जिस 11-12 का, उसी तरह से वो भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आपके जैसा नहीं कि एक रोज आए तो 10 रोज गायब रहे, क्योंकि सफलता बड़ा मेहनत से मिलती है और लगन से। लगन से किसी चीज को कीजिएगा जिम्मेवारी के साथ, तो जरूर कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो आप पूरे बड़ी मार बन गए कि तुम ही लोग के बीच पढ़ करके देखो आज यहाँ, ताकि तुम्हारे अंदर की जो इच्छा शक्ति सो गया है, मर गया है, जग जाए। इसलिए तुमको शर्म आए कि इसी संस्था में पढ़ के ये इतना अच्छा किया, तो हम कहे नहीं कर सकते। तो कुछ ही देर में आएंगे, अच्छा से स्वागत कीजिएगा, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, आप पढ़ा भी है बहुत अच्छे ढंग से खड़ा होकर, ताकि आपको अंदर भी ये आए कि लो कि हम भी एक रोज अच्छा बन के आएंगे, तो ऐसे ही तालियों का घड़घड़ाहट बजेगा, इससे भी बेटर कोचिंग है, ऐसा बन जाएगा तो बेटर हो जाएगा, तुमको भी मजा आएगा। जैसे वो आ जाए हैं तो आज तुमको हम इस पर दिखलाएंगे भी, प्रमाण भी देंगे, ऐसा बात नहीं है कि तू लोग कहते हो ना कि खाली हवा में तीर मारते हैं, साइंस का वो हवा में तीर मारने वाला काम नहीं करता, कब नहीं करता, ठीक है। सब प्रमाण है, प्रूफ है, क्योंकि अगल बगल बहुत ऐसे लोग हैं कि लोग लगते हैं बच्चों के दिमाग में गलत सलत भरने, है ना, ये हवाबाजी है तो ये है तो वो है, वो सब हम नहीं जानते। आम हमारा बस एक ही मोटो रहता है, बिहार बोर्ड को हम ध्यान में कभी भी नहीं दिए कि तुम बिहार बोर्ड में खूब अच्छा करो, बिहार बोर्ड में खूब अच्छा करा और जीवन के फ्यूचर का जो तुम्हारा एग्जाम है उसमें फेल कर जाता, क्या फायदा है। जो लड़का है शायद सेकेंड डिवीजन इंटरमीडिएट में आया है, अब उतना तो हमें याद नहीं है, नहीं हो सकता अपने बता दे, तत्न भेजिए उनको बैठा है उस लड़का। तो आप लोगों को इन लोगों से भी बेस्ट करके दिखाना चाहिए कि हम बेस्ट करें। आइए मिस्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव, आपका वेलकम है, स्वागत। यही है, बैठ जाइए, यही है अनूप कुमार श्रीवास्तव, ये 2014 और 15 बैच के स्टूडेंट रहे हैं, 2014 और 15। उस समय यहाँ नहीं बना था, ये जो है उसी संस्था पर जो पुराना वाला संस्था है वहीं पर इन्होंने पढ़ाई किया है 11th भी और 12th भी, ठीक है। और इन लोगों का बैच उस समय बहुत खचाखच, उस समय भी पूल था, जैसे आप लोगों से माने जा रहे थे, अभी तक कितना एब्सेंट है ना, अब सब सो गया है कि अब जब हो जाओ एग्जाम में देख लीजिए,
माने देखेगा पढ़ेगा नहीं वो देखेगा आप जो लिखल हुई तो ये सोचता है। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता ठीक है ना, कुछ करने से। तो आप ज्यादा कुछ इनके बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि इनका घर है बस्टीला। ये बस्टीला दो गो है, एगो मथुरा के साइड में, गोपालगंज के पास। तो गोपालगंज के पास जो है बस्टीला वहीं के रहने वाले, लेकिन रिलेशन इनका पड़ता है बढ़िया। ये बढ़िया रहते थे, ज्यादातर लगा इनका बढ़िया ही है, मैंने बढ़िया ही अभी भी रहे हैं, रहते हैं। तो कौन रिलेशन, कोई रिलेशन पड़ता है मामा के घर पड़ता है। जानते हो मामा के घर कितना अच्छा लगता है। अभी खुद बचपन में बड़ा दिन रहे हुए हैं अपने मामा के घर, है ना। मैंने सबसे प्यारा लड़कों का जो रिलेशन होता है मामा का, है ना, तो मामा के घर हम भी बोलते हैं। तो ये मैंने यही से पढ़ाई करते थे। और विशेष जो बातें हैं पहले आप रूप प्रमाण देख लीजिए, इनसे कुछ सुन लीजिए, फिर हम इनके बारे में बता रहे हैं पढ़ने में कैसे थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे। ठीक है, पुस्तक जी दिखा दीजिए, वीडियो जो था, है ना, इन लोगों को भी विश्वास हो जाए कि कहा है। तुम देर करके खुद क्यों करो, विश्वास भी हो गया ना। आप ही लोग के जैसे क्लास में बैठ करके इन्होंने पढ़ाई किया है यानी से, और 12 में रहते हुए उसी समय, माने जब 12 में थे तभी ये एग्जाम दिए, दिल्ली गए थे एग्जाम देने, और ये 2015 में गए थे। और कब गए थे, अप्रैल में, लास्ट अप्रैल को। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दे, 2015 में मेरा शादी हुआ, ठीक है, और 2015 थे, है ना। इन्होंने फॉर्म भरा, कौन फॉर्म भरा, AM EEE के दिल्ली एग्जाम, इनका एग्जाम था। तो एग्जाम किस दिन था, मेरा जिस दिन तिलक था उसी दिन था दिल्ली में। तो हमसे ही पूछे कि सर क्या करे, जाए कि छोड़े। अब जानते ही हो स्टूडेंट के लहर छा होता है, तुम भी कहोगे कि सर
सोचा तनी ना जाए कि अगला बेर पहले एग्जाम दिया हीरो का तिलकवा में हम रहा तो नहीं हम बोले कि नहीं नहीं पहले आपका फ्यूचर है, पहले आप जाइए एग्जाम दीजिए फिर आइए बारात में हम लोग इंजॉय करेंगे का दिक्कत है। तो इनका टोटल दोस्त माने मेरे यहाँ पहुंचे थे लोग इनको छोड़कर ही तो दिल्ली से उसी समय एग्जाम दिए है ना, एग्जाम दिए क्वालिफाई किए फिर एडमिशन हुआ और पढ़ाई किए कोर्स कंप्लीट किए और कोर्स कंप्लीट करके ये अभी फिलहाल जब कर रहे हैं ठीक है ना। और विशेष बात आपको खुद ये बताएंगे। Hello, good morning everyone. Good morning. How are you? Myself Anand Sirwal, I am from Pune. I have just completed AMP course, AMP Bali, Aircraft Maintenance Engineer, from Indrapur Institute of Aeronautics, Gurgaon. I am currently work in Kerala. तो मैं बता दूं कि अभी जो आप लोग का टाइम आप लोग कह रहे हैं अभी पढ़ाई कह रहे हैं अगर इसमें अच्छा कर रही हो अभी आगे जाकर कुछ अच्छा करोगे इस समय टाइम वेस्ट करोगे आगे जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। और अपन चंद्रमा से गाइडलाइन में रहकर और आपके राजा से गाइडलाइन में रहकर कुछ भी सीखो बहुत आगे जाओ। ये जो तुम लोग का एज है ना अभी बहुत डिपेंड करता है इस एज में, इस एज में अगर पढ़ाई नहीं की आगे कुछ नहीं कर पाओगे। और जो भी टॉपिक है मैं चंद्रमा से कहेंगे टॉपिक याद करो जो पढ़ा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करो, उस पर कंसंट्रेट करने के बाद हर एक सफलता मिलेगा हर एक फील्ड कोई भी फील्ड में जाओ बिना पढ़ाई का कुछ नहीं हो सकता। हमने भी बहुत सारा कोचिंग देखा बहुत सारा इंस्टीट्यूट देखा लेकिन इससे बेस्ट हम कहीं नहीं है बहुत बेस्ट। अभी 12 है अभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम नहीं कर रहे हैं जैसे AMEEE हुआ AMEEE है जो भी हुआ उस समय अप्लाई करें, उस समय अप्लाई करने के बाद रवान सर से पूछो कि कैसे होगा क्या होगा ये आपका हर एक समय हेल्प करेंगे चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो हर एक चीज पर हेल्प करेंगे। आप तो रवान सर से मिलो और अच्छे से तैयारी करो और अभी तो है अच्छा सुनो भी वेट करने वाले इंसान तो वेट ही करने वाले और किसी के मन में कोई डाउट हो कोई पूछना हो उसे क्वेश्चन है नो स्टूडेंट बोलिए प्रेमचंद देखो आईएएस की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप चंद्रवान सर से मिलिए चंद्रवान सर से जानिए ये बताएंगे कि आपका इंस्टीट्यूट क्या है आपका क्या क्वालिफिकेशन सर जानते हैं